है कि मंगलसूत्र इंदिरा गांधी शहीद हुई थी तो उसमें मंगलसूत्र, सोनिया गांधी जो थी उसमें मंगलसूत्र जो अब आ गई, अभी उन्होंने ज्यादा मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो मैम ये बता दो अमित शाह के कितने बच्चे हैं, भाई बहन है, मोदी के कितने भाई बहन है? अब बुरे दिन आ रहे हैं, देखो दिन प्रति देखो हालत क्या हो रही है, काम नहीं, दाल से खुआ रह रही, खाने पीने से परेशान, हर चीज महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रहा, पब्लिक इतनी परेशान है, ऐसा मसिया बिना कोई मसला। हम ये कह रहे हैं बेटा घर मकान दिए उन्होंने, उनके दिए हुए जिनके बड़े पेट हैं, गरीबों के लिए कहाँ दिए, कुछ नहीं हुआ, मोदी गाड़ी अच्छे दिन नहीं आए, महंगाई आ गई, जो गारंटी चल रही है हर जगह, मोदी जी खुद एक गारंटी बन के रह गए, दूसरी गारंटी क्या, वो सिर्फ चार आदमी चला रहे हैं, चार पांचवा आदमी जी चला रहा है, दो बेच रहे हैं दो खरीद रहे हैं, इस देश को चार आदमी चला रहे हैं। महंगाई तो बहुत ही कर दी, तेजी कर रख दी, अच्छा ये बताइए प्रधान बिना मुश्किल हो रहा, मोदी के जमाने में बच्चे नहीं है तो क्या पता बच्चा क्या होता है, मोदी जी के खुद कोई बच्चे परिवार नहीं तो क्या पता बच्चा होता है। आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। लगातार हम लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता इस बार अपना प्रधानमंत्री किसे चुनने वाली है और क्या क्या मुद्दे इस बार जनता के होंगे। तो सीधा देखिए आपको बता दूं कि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा ये पूरी जनता को पता चल जाएगा, पर यहाँ पर जानेंगे कि भाजपा ने 10 साल में यहाँ पर कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, कितना विकास किया। हालांकि लगातार वादे करती रही है कि हमने डबल स्पीड से विकास किया है और महंगाई भी कम करी, तो सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो सरकार बना कर लाओगे राहुल को लाओ, ये आवाज दो सब दिन के राहुल को लाओ, फिर ये दुनिया की बातें मत करो, हम यही बातें, हम नहीं कहते ये हमारे चाचा, अरे हम तो नहीं जाएंगे, ये हिंदू है लेकिन हमारे बाप है, ये हमारे हिंदू, हमारे बाप है, हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। दिन है और बुरे दिन आ रहे हैं, देखो दिन प्रति देखो हालत क्या हो रही है, काम नहीं, लोग दाल से खुआ रह रहे, खाने पीने से परेशान, हर चीज महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रहा, पब्लिक इतनी परेशान है, बहुत ज्यादा खुद तक घूमता जा रहा है विदेशों में, ये पब्लिक को भी तो देखा कि भाई पब्लिक परेशान नहीं होना है, कारोबार नहीं, रोजगार नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, जब से बैठे हैं कुर्सी पर बैठे हैं देश मालामाल हो गया, देश विकास। हाँ हाँ, जो जिसको करा होगा उसे करा होगा, गरीबों को किसी को ना करा, गरीब का खून प्यास ने बेकार कर दिया, ऐसा मसिया भी नहीं दिए, हम भी गरीब है, हमें भी ना दिए, तुम्हें बताए दो दो दिन भाके हो जाते हैं, जो राशन है मोदी जी अपने घर में रख ले, जो अपने आप खाना खाते है ना वो गरीबों में भेज दे, जो अपने सूट पहनते है ना वो गरीबों को पहना, जो गरीबों के कपड़े वो अपने आप पहन रहे, हमारा जो अब का प्रधानमंत्री होगा वो हाथी होगा, हमें कमल नहीं चाहिए, हमें राहुल गांधी चाहिए, हमें कमल ही खिलेगा, कमल कुछ नहीं कर सकता, कीचड़ है और कीचड़ रहेगा, और हाथ, हाथ बढ़िया है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री चाय चलाने वाला देश नहीं चला सकता, कौन चलाने वाला, चाय चलाने वाला सिर्फ अपनी मूर्ख पूर्ति देता है कि वो मेहंदी नहीं होता, चाय पीने वाला ना क्या करता है, चाय पी देखिए उसने, अब उसे मुर्गे बकरे खाने को मिल रहा है, तो वो अपनी पूर्ति करेगा, वो गरीबों की पूर्ति कभी नहीं कर सकता, इतना खपा क्यों है मोदी जी से, क्या उसने कुछ नहीं करा, गरीबों को और मारा है और अमीरों को अमीर करा है, अमीरों से हमारा देश बेच दिया, पूरा पूरा देश बेच दिया, बाहर वालों को बेचते, उनसे पैसा खाया है, अपने बंगले बनाए, चाय बेचने वाले ने, ये बताइए महिला है, महिलाओं के लिए कुछ काम किया पाऊंगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मोदी के राज में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मोदी के राज में अच्छे दिन नहीं आए, महंगाई आ गई, जो गारंटी चल रही है हर जगह, मोदी जी खुद एक गारंटी बन के रह गए, दूसरी गारंटी क्या लेंगे, कुछ गारंटी नहीं है मोदी जी, क्या लग रहा है इस बार तो बदलाव चाह रहे हैं या फिर तीसरी बार बदलाव होगा और हाथ ही आएगा, आपके हाथ आएगा, बदलाव होगा हाथ आएगा, क्या रहे कांग्रेस सरकार तो खत्म होने वाली है, कहने से क्या होता है, अब मैं कह लूँ ये कौन खत्म हो रहा है, बिल्कुल इस देश को सिर्फ चार आदमी चला रहे हैं, चार पांचवा आदमी जी चला रहा है, दो बेच रहे हैं दो खरीद रहे हैं, इस देश को चार आदमी चला रहे हैं, एक गंजा चला रहा है, ठीक है, एक मोदी साहब चला रहे हैं, और तुम्हारे ये दो जने बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी, ये बेच इनको बेच दिया, ये खरीद रहे हैं, मोदी जी ने सारा बेच दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, सारे कुछ बेच दिया,
अब हम गरीब हो गए, कपड़े रह गए, वो और बेचेंगे वो। आप 1 करोड़ रुपए का सूट पहनते, आप भी मैडम हो ना, कह रहे आपको मकान मिला, आपको मिला मिला, आप भी गरीबों में ही आते हो, अमीरों में नहीं आते। अगर अमीर होते तो ये लिए पकड़े नहीं होते यहाँ पे। आपको क्या दिया बताइए, अच्छे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। महिलाएं तो मोदी जी ने कुछ काम किया आपके लिए नहीं किया। और महंगाई की बात करें, महंगाई तो मोदी कर दी, ऐसी तेजी कर रख दी। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री मुश्किल हो रहा मोदी के जमाने में तो? हम तो राहुल गांधी को देंगे, पंजे पे वोट देंगे। राहुल गांधी बच्चे हैं, मोदी जी कह रहे हैं तो वो तो वैसे दिमाग सट जा रहा है। अच्छा, वो बाला के वो बुड्ढा, अरे वो भी तो बुड्ढा ही है, वो भी तो बाल जैसा ही है बुड्ढा। चटनी भी मिल रही चांस है, गैस इतनी महंगी कर रखी है, हर चीज महंगी महंगाई कर रखी है, कहीं ना सस्ता वस्ता। मोदी ने हमारा गैस सिलेंडर बनवाया, राशन कार्ड बनवाया, हमारे निर्णय मोदी सही है। अब बताओ ये बोल रहे हैं तो मोदी ने खाने को दे दिया है ऐसे, सही सिलेंडर राशन दिला रहा मोदी, यूपी लग रहा है, इसे मकान दे दिया मोदी ने, हमें दिया नहीं। कितने का गैस सिलेंडर भाई? सिलेंडर चूल्हा दिया है मुझे, है कितने का सिलेंडर ला रहे? 800 रुपए का ला रहे हैं। 800 रुपए ला रहे हैं? कितने रुपए कमाते हो तुम? मैं 200-250 रुपए कमाता हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं। भैया काम करेंगे तो भरवाएंगे, काम करेंगे तो भरवाएंगे। ये तो कह रहे हैं कि मोदी इसका रिश्तेदार है, इसका रिश्तेदार है, यूं दिया हमारे रिश्तेदार। सच बोले झूठ बोले बताओ मैडम, कहाँ रहते हो? सही जगह में जाओ, सही जगह में जाओ, सही जगह, दिल्ली में आओ, दिल्ली में, दिल्ली में सही नहीं, सही जगह की बात सही, दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली की, यूपी की बात नहीं करो, यूपी की बात नहीं करो, दिल्ली की बात करो। आपके समाज के लोग कह रहे हैं आपकी बुराई कर रहे हैं, यूपी के लोग हैं ये, पैसे खाए हुए हैं, पैसे निकाले नहीं, पैसे निकाले क्यों बोल रहे हैं? सारी जनता कह रही है क्या दिया मकान दिया, कितना सिलेंडर दिए? 1 सिलेंडर दिया। कैसे चलोगे समाजवादी ने इंडिया, समाजवादी ने इंडिया, खाली सिलेंडर से खा लेंगे, खाली सिलेंडर से खा लेंगे, खाली सिलेंडर से खा लेंगे, सिलेंडर से रोटी पानी कुछ नहीं है क्या? 5 किलो से पूरे महीने का राशन चल जाएगा, 5 बच्चे हैं इनके, 5 बच्चे, हाँ अभी कह रहे हैं 5 बच्चे हैं मेरे, 5 बच्चों को दिमाग से खिला गए वो, क्या चाहिए सिलेंडर से रोटी खाना होगी? अगर आप हवा से रोटी पेट भरते पियो तो बताओ। आप जनता ही कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है? नहीं है, मुमकिन नहीं है। 5 बच्चे हैं, 250 रुपए में खिला लेंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी क्या लगा देश चला पाएंगे? बिल्कुल चला पाएंगे, क्यों नहीं चला पाएंगे? कांग्रेस नहीं चला रही 70 साल, 70 साल से नहीं चला रहे थे लोग। मोदी जी कहते हैं कि अभी राहुल गांधी बच्चे नहीं है, बच्चे हैं देश के चला पाएंगे। बच्चे बहुत तेज हैं आज के, बच्चे नहीं है क्या पता बच्चा क्या होता है? मोदी जी के खुद कोई बच्चे परिवार में क्या पता बच्चा होता क्या है? 50 साल के हो गए बच्चे नहीं राहुल गांधी, उसमें 50 साल का बच्चा होता है ये बच्चा है, ये बच्चा है राहुल गांधी, बच्चा है ये बच्चा राहुल गांधी। बीजेपी के अंदर देखो योगी आदित्यनाथ, उनकी बीवी नहीं, बच्चे नहीं, समझिए आप, ठीक है? ये तो बात कर रहे हैं, जो दूसरी बात कर रहे हैं कि राशन मिल रहा है कुछ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनसंख्या है उसका इनकम टैक्स जो है, जो आज की डेट में राशन जा रहा है उसका 5% भी नहीं बैठता। ये अगर आप इस चीज को कहें कि 5 किलो राशन मिल रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी जी हैं, उनके बीवी बच्चे नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी बीवी को एक बार के देखने के बाद दूसरी बार देखा नहीं। अमित शाह जी हैं, वो थोड़ी बार हैं। आप ये बताइए बीजेपी के अंदर कौन सा नेता ऐसा है जो अच्छा हो? किसान यूनियन चली है उसके अंदर किसानों को रोंदा गया गाड़ी से, कितनी जो है कार्रवाई बैठी, सारी चीज हुई, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे सुन लिया आपकी बात, सारी सुन लिया। अब ये कह रहे 400 पार का नारा दे रहे, कैसे? कौन बोल रहा है? मोदी जी कह रहे हैं मैं ये बोल रहा हूँ, जो इस बार अगर वो अपने गठबंधन के बिना सरकार भी बना के दिखा दे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद,
तभी इतनी बढ़ाई कर रहे हैं। मैडम किसकी चाहिए? आम आदमी की। मैं आम आदमी की नहीं कर रहा, मैं दिल्ली के अंदर खड़ा हूँ। मैं खुद नागरिक जो हूँ, मैं उत्तर प्रदेश, आम आदमी पार्टी, मैं नागरिक जो हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। मैं यहाँ खड़ा होने के बाद नहीं, मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में खड़ा होने के बाद बोल सकता हूँ, मोदी जी ने आज तक क्या किया? असल में सुनो, विकास पता है कब होता? जब उनकी बीवी के बेटा होता, वो विकास होता। तो इसलिए जो है ना, वो विकास लाने की पूरी उन्होंने कोशिश करी, लेकिन अपना जीवन जो है वो देश के नछावर कर दिया ना, 18 घंटे काम करते। हाँ, नहीं, इस चीज के लिए मैं बताऊंगा आपको, 18 घंटे काम करते हैं, एक सेकंड, 18 घंटे वो काम करते हैं, हम बोल रहे हैं 18 नहीं, वो 22 घंटे काम करते हैं। उनके 18 घंटे जो है आप उन्हें डिवाइड कर दीजिए, 3 घंटे वो अपने तैयार होने में लगाते हैं, भाई नोट करना सब खड़े हुए हो, 3 घंटे वो अपने तैयार होने में लगाते हैं, 7 घंटे उनकी गाड़ी चलती है रोड पर, कितने हुए 10, 4 घंटे के अंदर उनका लंच होता है 14, और 4 घंटे के अंदर वो अपने ड्राइवर से सिर्फ ये समझाते हैं, जो फोटोग्राफर आएगा मैं खाली पेन लेके खाली बुक खोल के दिखाऊंगा, उससे ये बोलना इस लोकेशन पे फोटो लेनी है जो मीडिया पे डल जाए, बस और मैडम सुनो काम। हाँ जी, आप एक चीज और भाई, एक चीज, हाँ काम की बताइए आप। वो ये बोलते हैं NH24, ठीक है, उस पे आने के बाद उन्होंने रिबन काटा, वो कब का पास हुआ था? देखो जितने खड़े हुए हैं सब रोटी खाते हैं यहाँ, कोई ऐसा नहीं जो रोटी ना खाता हो। वो जो है कब हुआ? कांग्रेस के राज में हुआ। कांग्रेस अच्छा ठीक है, मैं एक चीज और बोलता हूँ। अच्छा, इन्हों की सरकार को आप बताइए कितने साल हुए? इन्हों की सरकार को कितने साल हुए बताइए ना आप? बीजेपी की सरकार को? अच्छा, 10 साल के अंदर एक इंस्टीट्यूट ऐसा बताइए जो इन्होंने निर्माण कराया हो, एक हॉस्पिटल ऐसा गिनवाइए जो इन्होंने निर्माण, इन्होंने सिर्फ एक चीज हाँ बहुत अच्छी करी है, नोएडा के अंदर इन्होंने शौचालय बनाए, ठीक है, शौचालय बनाए इन्होंने, वो चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी से बातचीत करने के, लगातार हम देखिए जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक चप्पे चप्पे कोने कोने पर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता जो है किसे अपना प्रधानमंत्री चुनने वाले। हालांकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी से काफी लोग, काफी जनता नाराज है, कह रहे जो वादे करके आए थे उन वादों पे काम नहीं हुआ, महंगाई पर वादा किया था और नारा भी दिया था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, हालांकि किसी भी वादे पर काम नहीं हुआ। पर देखना यही होगा कि इस बार क्या होने वाला है। 4 जून बहुत ही कम समय बचा है नतीजे आने में, देश को पता चल जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, एक तरफ इंडिया गठबंधन दूसरी तरफ NDA सरकार, तो क्या अब की बार कौन बाजी मारने वाला है ये जनता तय करेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।